मध्य प्रदेश में अब रोड पर चलना अब और भी महंगा हो गया है। प्रदेश के कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। टोल टैक्स की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने टैक्स में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वहीं टोल टैक्स में 7.5% तक की वृद्धि की गई है। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI और MP रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MPRDC द्वारा जो है ये वृद्धि की गई है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगी। मध्य प्रदेश के 6 स्टेट और 4 नेशनल हाईवे पर 1 से 7.5% तक की अधिक टोल टैक्स चुकाना होगा। वहीं जो है 4 नेशनल हाईवे पर 1 से 3.5% तक की वृद्धि हुई है, जबकि 6 स्टेट हाईवे पर 7.5% तक की बढ़ोतरी हुई है। भोपाल से देवास का सफर करते समय निजी वाहन पर फंदा टोल प्लाजा पर जो है पहले 33 रुपए लगते थे, अब 35 रुपए लगेंगे। वहीं अगले प्लाजा पर 42 की जगह जो है 45 रुपए देने होंगे। उसके बाद पड़ने वाले प्लाजा पर 72 की जगह 77 रुपए चुकाने होंगे। तीनों मिलाकर कुल लगभग 141 किलोमीटर के सफर में 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। जिन स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ा है, जिनमें मटकुली, तामिया, छिंदवाड़ा मार्ग, जावरा नयागांव, चांदपुर, अलीराजपुर और मंसूर सीतामऊ मार्ग शामिल है। मनगवा से MP UP बॉर्डर, ब्यावरा MP राजस्थान बॉर्डर, ग्वालियर भिंड MP UP बॉर्डर जैसे नेशनल हाईवे भी शामिल है। हालांकि प्रदेश के 92 मार्ग ऐसे हैं जहां टोल टैक्स नहीं बढ़ा। PWD के तहत जो है आने वाले 102 रास्तों पर टोल लगता है। इनमें से कुल 10 मार्गों पर ही टैक्स बढ़ाया गया है। MPRDC के मुताबिक निर्माण की सेवा शर्तों के तहत लागत बढ़ने के कारण जो है टैक्स बढ़ा है। ये था अब तक का अपडेट। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।